हेलो एवरीवन, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का अपनी ट्यूशन स्टडी क्लाउड में स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। ये 15th लेक्चर है पीरियड टेबल का। इसमें हम लोग पहले बेसिक्स जानेंगे और फिर जानेंगे कितने पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, कैसे कैसे पॉसिबल है क्वेश्चन इसमें फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे ही बने मेरे साथ, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Welcome to Study Cloud. तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनेशन ये है, इट इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड फ्री गैसियस एटम एंड इट इज जनरली एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये क्या है कि जब आउटर मोस्ट शेल में ये फ्री गैसियस एटम है, आइसोलेटेड फ्री गैसियस एटम, ये आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उसमें जो इनर्जी रिलीज होता है उसी इनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो प्रोसेस होता है जनरली जनरली ये इंडोथर्मिक होता है। अब आगे पढ़ेंगे इंडोथर्मिक किसमें होता है, एग्जोथर्मिक किसमें होता है। तो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। इसको रब करते हैं, अब हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। सपोज हम लोगों ने कोई एटम ले लिया, आइसोलेटेड फ्री गैसियस एटम है ये, इसमें हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किए, कोई इलेक्ट्रॉन क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड किए इसमें। तो ये जो एटम है, एक्स एटम है, ये एनायन बदल जाएगा और इसमें जो एनर्जी निकलेगा हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो इस डेल्टा एच को हम लोग ये भी बोल सकते हैं माइनस ई ए, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। तो इस एनर्जी जो निकल रहा है हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तब ये निगेटिव गेन इंथैल्पी हो जाएगा और जब इसमें एनर्जी देना पड़ेगा जो आगे केस लेंगे हम लोग उसमें यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाएगा। तो ये इसका कुछ ऐसा हुआ। अब आप लोग इसको आयनाइजेशन एनर्जी से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है आयनाइजेशन एनर्जी के जस्ट अपोजिट है। आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग एनर्जी दे रहे थे, इसमें से एनर्जी रिलीज हो रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स पॉजिटिव। ये दोनों सेम है, ये दोनों एनर्जी सेम है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस। अगर इसमें अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कराएंगे हम लोग तो क्या होगा, ये कटाइन बन जाएगा, कटाइन बन जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा दिखेगा। और इसमें से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कराएंगे तो यहाँ पर ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो दोनों सेम है। वैसे ही अगर सोडियम का ले लेते हैं हम लोग, सोडियम का देख लेते हैं, सोडियम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चन के लैंग्वेज में दे देगा, आपको पूछेगा क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी का मगर उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में, तो ये क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। और हम इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या कैसे होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको रब करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अटैचमेंट होता है। तो कोई हम लोग एटम का रफ डायग्राम बना लेते हैं, ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ, अब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है इसमें अटैच होता है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन हो गया ये, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा इसको तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको रिपेल करेगा,
जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिपेल करेगा, न्यूक्लियस की वजह से इस पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और इलेक्ट्रॉन के वजह से इस पर जो पहले से आउटर मोस्ट सेल में या इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके वजह से इस पर रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, रिपल्सन इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो कैसे पता लगाते हैं, वो अट्रैक्शन के ऊपर बेसिस होता है। जिस भी एटम का अट्रैक्शन जितना अधिक होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू नेट अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो नेट अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्ट्रेंथ देखेंगे वो अट्रैक्शन के बेसिस पे देखेंगे, वो न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे देखेंगे। जिसका अट्रैक्शन जितना अधिक होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्ट्रेंथ उतना अधिक होगा। अब इसी पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कोई हो गया ऑक्सीजन कैटायन हो गया, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन एनायन हो गया। अब हम लोग को इसमें देखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल है, इसको हम लोग किससे देखेंगे, नेट अट्रैक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन को सबसे अधिक अट्रैक्ट कौन करेगा, कोई बाहर से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो इसमें से सबसे अधिक अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो सबसे अधिक अट्रैक्ट करेगा। और जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन अधिक है, पहले से इलेक्ट्रॉन उसमें भरा हुआ है प्लस और एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, वो चाहेगा कि हमसे दूर ही रहे, तो सबसे अधिक अट्रैक्ट ये करेगा। नंबर वन पे ये जाएगा, नंबर टू पर ये आ जाएगा और नंबर थर्ड पर ये आ जाएगा। इसका मतलब जो कटायन का होता है अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है और उससे कम न्यूट्रल का, उससे कम एनायन का। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, हम लोग पहले पढ़े थे कि जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप देखते हैं कि इसमें इंडोथर्मिक होता है, इसको रब करते हैं, अब हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इंडोथर्मिक प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है। तो ऐसा दो केसेस में होता है। पहला केस हम लोग पढ़ लेते हैं, जहां पर एटम हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, मतलब कि उसका आउटर मोस्ट सेल का जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो उसमें जो प्रोसेस होगा इंडोथर्मिक होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है तो नहीं चाहे कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आए। तो वहाँ पर ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन अटैच करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, तो वहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाता है, इंडोथर्मिक। फर्स्ट केस लिख लेते हैं हम लोग, केस वन, जब हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसे लो। हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसे में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कराएंगे उसका प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा। तो कौन कौन सा ग्रुप होता है जो हाफ फील्ड होता है फुल फील्ड होता है, एक तो होता है सेकेंड ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो दूसरा होता है फुल फील्ड होता है वो 18th ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस, और जो तीसरा होता है वो 15th ग्रुप होता है, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं हम लोग इसको। तो जो इसमें 15th ग्रुप है ना, तो इसको एज एक्सेप्शन आप लोग मान सकते हैं, इसमें सब में हमको इंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं लगता है। इसका मतलब सब में एनर्जी नहीं देना पड़ता है, सिर्फ 15th ग्रुप के नाइट्रोजन एटम को हमें एनर्जी देना पड़ता है। कौन कौन सा ग्रुप हो गया, पहला एल्केलाइन अर्थ मेटल, दूसरा नोबल गैस, तीसरा बस नाइट्रोजन एटम, ये सिंगल एटम है, ये नाइट्रोजन फैमिली का बात नहीं हो रहा है। इतना जो केस आएंगे
सेकेंड ग्रुप का हो या 18th ग्रुप का नाइट्रोजन में, इसके साथ जब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कराएंगे, मीन्स कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन अटैच करेंगे तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी देना होगा। एक्सटर्नल एनर्जी देना होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच यहाँ पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो जो इसमें डेल्टा एच की वजह से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये लैंग्वेज आप लोगों को क्वेश्चन में हेल्प करेगा। इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कि ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और ऑप्शन में आपको चार एटम दे दिया। अब बोला कि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके साथ हो रहा है, ये रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। तो आप लोगों को इतना के बीच में सपोज एक ही एटम होगा और बाकी जो तीन एटम होगा वो इससे बाहर का होगा, तो वहां पर आप लोग इसमें से जो एटम होगा उस पर टिक मार देंगे कि ऑप्शन में यही आंसर सही है। अब नेक्स्ट हम लोग केस टू को लेते हैं, इसको रब करते हैं। हम लोग केस टू लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ पर इंडोथर्मिक होता है उसका केस टू लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, केस टू जो है वो बहुत सिंपल है। एनायन के केस में उसका प्रोसेस जो होगा इंडोथर्मिक होगा। एनायन मतलब कि उस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करा दिया गया है एक बार, जब फर्दर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कराएंगे तो उसमें हम लोग को इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, उसमें हम लोगों को एनर्जी देना होगा। तो इसको समझते हैं क्या, कोई भी एनायन हो गया, मान लीजिए सपोज एक्स एनायन हो गया, इसको अगर दोबारा हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कराएंगे तो इसमें जो एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये एनायन है इस पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज नहीं चाहे कि मेरे ऊपर और निगेटिव चार्ज आए, तो ये तो रिपेल करेगा इसको। जब रिपेल करेगा वो चाहेगा ही नहीं कि मेरे ऊपर दूसरा निगेटिव चार्ज आए, तो इसके ऊपर जबरदस्ती करना पड़ेगा, जबरदस्ती के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि एनायन कैसे हुआ, एनायन इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले इस पर एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करा दिया गया है। केस टू में दो हो सकता है, या तो एनायन या फर्दर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कराएंगे, वहां पर हमको प्रोसेस क्या हो लेना पड़ेगा, इंडोथर्मिक। तो ये हो गया कहाँ कहाँ इंडोथर्मिक होता है। अब इसका प्योरिसिटी देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इसको रब करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्योरिसिटी देख लेते हैं पीरियड में। तो इसका जो पीरियड में जो होता है प्योरिसिटी, ये जो ग्रुप है जो लिखा हुआ है 18, 2, 15, 13, 1, 14, 16, ये ग्रुप है। ग्रुप मतलब कि पीरियड में ग्रुप वाइज जैसे जाएंगे तो उसका प्योरिसिटी ये होगा। तो ये जो है ना, ये जो है जो ऑर्डर है प्योरिसिटी का, ये जो ग्रुप का लिखा हुआ है बस एक सेकेंड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड में क्या चेंज हुआ है, ये जो 15 ग्रुप है उठकर इसके बीच में जाएगा 1 और 14 के, ये ध्यान दीजिएगा। ये बस केवल सेकेंड पीरियड के लिए जो ऑर्डर है, ये देखिए सेकेंड पीरियड लिखा हुआ है उसका ऑर्डर से मिलता जुलता है। अब सेकेंड पीरियड के जब नीचे जाएंगे तो ये क्या होगा, जो 15 ग्रुप है ये उठ करके इन दोनों के बीच में आ जाएगा 1 और 14 के, ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा कि मैं जब बता रहा था इंडोथर्मिक प्रोसेस किस में होगा, तो 15 ग्रुप जो नाइट्रोजन फैमिली होता है, मैंने बस केवल नाइट्रोजन का ही लिया था, नाइट्रोजन में ही एनर्जी देना पड़ता है, बाकी सब उसके नाइट्रोजन फैमिली के बाकी जितने एलिमेंट आते हैं उसमें एनर्जी नहीं देना पड़ता है, बस केवल नाइट्रोजन के साथ ऐसा होता है। इसीलिए नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में यहाँ होगा और बाकी बिलो द सेकेंड पीरियड 1 और 14 के बीच में आ जाएगा। तो ये तो आपको लर्न करना ही होगा, और ये तो ऑब्वियस है कि ये नोबल गैस जो है सबसे फ्रंट में होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इसको सबसे अधिक एनर्जी देना पड़ेगा, उससे कम सेकेंड पीरियड को, सेकेंड पीरियड क्यों, सेकेंड पीरियड का जो ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, और ये 15 क्यों, 15 बस केवल सेकेंड पीरियड के लिए नाइट्रोजन, और बाकी ये तो आपको ऑर्डर लर्न करना पड़ेगा इसका।
अब ऐसे ही हम लोग ग्रुप में देखते हैं, इसको रब करते हैं। अब ये तो हो गया आप लोग का ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है पीरियडिसिटी का, टॉप टू बॉटम जाते हैं जनरली तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है, मगर सब में नहीं होता है, उसका बहुत ही अनसर्टेन है इसका वैल्यू। तो आज के ऑर्डर में मानता हूँ कि मैक्सिमम रटने वाला है, किसी भी ग्रुप में मिला लेंगे पी ब्लॉक के, टॉप टू बॉटम में कोई सेल वाइज नहीं है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यहाँ लिख दिया हूँ और आप लोग इससे अधिक चाहें तो ये है, मगर ये तीनों इम्पोर्टेंट है आपका, इनको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, उसके से 3 या 4 लेक्चर और है पीवी टेबल का, इसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। हाँ मानता हूँ आज का लेक्चर जो था रटने वाला है, समझना बहुत ईजी है आज के लेक्चर में, मगर इसका जो वैल्यू है टॉप टू बॉटम जैसे ग्रुप में हो गया पीरियड में हो गया, उसका सी एल वाइज नहीं है ऑर्डर, तो उसमें थोड़ा लर्न करने में आप लोगों को थोड़ा उसमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, थैंक यू। अगर ये मेरा लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उस पर बेल आइकन होगा उसे क्लिक कर दीजिएगा कि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो डायरेक्ट आप तक पहुँचे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और उसे शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएँ, और अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर में इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दीजिए, नॉलेज है तो उसे शेयर कीजिए, थैंक यू।